हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। सो ये है गिवन ग्राफ 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये है हमारे नोड्स यानी वर्टाइसेस, एंड दिस एरो इज कॉल्ड एज एजेस। सो दिस कॉल्ड एज डायरेक्टेड एज। ये वन से टू को कनेक्ट कर रहा है, मींस ये वन का आउटगोइंग एज है और टू का इनकमिंग एज है। तो पहली स्टेप इन टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में होती है कि हम सोर्स नोड और इनिशलाइज करते हैं। तो यहाँ हमारा सोर्स नोड है वन, क्योंकि वन को एनी इनकमिंग एजेस नहीं आ रही, सिर्फ दो आउटगोइंग एजेस है। तो हम टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में वही नोड चूज करते हैं पहले जिसको जीरो इनकमिंग एजेस है। तो पहले हमारा आएगा वन। सो हम लिखेंगे विजिटेड नोड ऑर्डर। सो पहले आएगा वन। अब वन कट करने के बाद ये दोनों एजेस भी कट हो जाएंगे। सो फिर से नया ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आएगा 2, 3, 4, 5, 6 और वन के जो एजेस थे वो भी हम कट कर देंगे, क्योंकि वो है अब विजिटेड ग्राफ। सो अब हमें अनविजिटेड ग्राफ देखना है। ये हमारा नया ग्राफ, वन को विजिट किया, सो वन और उसके एजेस कट कर देंगे और नया ग्राफ बना देंगे। तो अभी इसमें टू को और थ्री को दोनों को भी इनकमिंग एजेस नहीं है, सिर्फ आउटगोइंग एजेस है। वो टू से फाइव को जा रहा है, टू से फोर को जा रहा है, थ्री से फोर को, थ्री से सिक्स को। सो दोनों को भी इनकमिंग एजेस नहीं है, तो इनमें से कौन सा लेंगे? तो इस कंडीशन में हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो पहले दो लेंगे, मतलब वन टू, और इसके बाद में फिर से देखेंगे नो इनकमिंग एजेस वाला, और बाद में थ्री लेंगे। तो अब हमारा ऑर्डर होगा वन एंड टू, क्योंकि टू को भी नो इनकमिंग एजेस और ये दो आउटगोइंग एजेस हम कट कर देंगे। तो फिर से नया ग्राफ बनेगा, तो वो होगा 5, 6, 4 और ये कनेक्शन। अब इस ग्राफ में थ्री को नो इनकमिंग एज है और दो आउटगोइंग एजेस है। सो वन टू के बाद में आएगा थ्री। फिर से हम क्या करेंगे, ये दोनों एजेस कट कर देंगे और नोड थ्री को भी कट कर देंगे। तो इधर रहेगा हमारा सिर्फ 4, 5 और 6। सो इनमें से फोर को नो इनकमिंग एजेस बट टू आउटगोइंग एजेस। सो हमें आउटगोइंग एजेस का कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें हर नोड का देखना है कि इनकमिंग एजेस कितनी है। अगर इनकमिंग एजेस जीरो होगी तो वो नोड हम विजिटेड नोड में लिख देंगे। सो यहाँ आएगा अब फोर। अब फोर के भी आउटगोइंग एजेस और नोड कट कर देंगे, तो रहेगा 5 और 6। सो 5 को नो इनकमिंग एजेस बट 6 को है ना इनकमिंग एजेस। 5 से 6 को जा रहा है तो इसको इनकमिंग एजेस 1 है और 5 का 0 है, तो पहले 5 आएगा, फिर एजेस कट, नोड कट, तो 6 रहेगा, क्योंकि ये है हमारा डेस्टिनेशन। सो इसे कहते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। इस सॉर्ट में सिर्फ हमें देखना है कि इनकमिंग एजेस की वैल्यू। अगर इनकमिंग एजेस 0 होगा, मतलब उस नोड को कोई भी एज नहीं आ रही कोई भी, तो वो हम विजिटेड नोड में लिख देंगे। इधर दो आ रहे तो पहले हमने वन लिखा, क्योंकि इसे कौन सी भी एज इसके तरफ नहीं आ रही, मतलब डायरेक्टेड एजेस इसे कहते हैं। ये इनकमिंग एजेस ऑफ टू बट आउटगोइंग एज ऑफ वन। थैंक यू।